राधे राधे मित्रों, साल 2020 कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा, किस तरह की खबरें लेकर आएगा, यही जानकारी हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साल कन्या राशि वालों के लिए धन को लेकर कुछ खास खुशखबरी लाने वाला है, जिसका आपको बहुत सालों से इंतजार भी था। इस साल आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही साथ आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। कुछ ऐसे रिश्ते भी जुड़ेंगे जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। साल की शुरुआत में कार्य को लेकर आत्मविश्वास और जुनून बना रहेगा। कार्यस्थल में भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा। मार्च के महीने में गुरु का मकर राशि में परिवर्तन से शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य शुरू भी हो सकता है, या विद्यार्थी किसी नए विषय का चुनाव कर सकते हैं। राहु का व्यापार भाव में गोचर करने से काम को लेकर कुछ भ्रम और तनाव महसूस होगा। आगे बढ़कर कार्य करें, तभी मुश्किलों का हल करने का रास्ता आपको मिलेगा। आप बहुत समझदार हैं और अपनी समझदारी से आप हर प्रकार की कठिनाई से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आपसे कोई सलाह भी ले तो वह सफल रहता है। मई माह से शनि और गुरु दोनों के वक्री होने से घर से या जमीन से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें, ना ही इस समय कोई इन्वेस्टमेंट करें। किसी तरह के निर्णय लेने से भी बचें, और अगर आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर रह रहे हैं और वापस आना चाहते हैं तो साल के मध्य में आ सकते हैं। अगस्त के बाद सेहत को लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। मानसिक तनाव में आकर वाहन ना चलाएं और बिजली के उपकरण से भी सावधान रहें। 22 जून से मंगल के नीच होने से अचानक आय में नुकसान या लाभ में कमी हो सकती है। किसी नए लाभ के लिए काम को टाल दें तो बेहतर होगा। सितंबर से समय कार्य को लेकर बेहतर हो जाएगा और यह समय कार्य और निवेश के लिए बेहतर होगा। बच्चों की तरफ से भी कुछ खर्च हो सकते हैं जो अचानक से सामने आएंगे। उनकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही आपके लिए नुकसान ला सकती है। विदेश जाने का अवसर मिलता रहेगा और वहां के लोगों से संपर्क भी बेहतर होगा। साल के अंत में व्यापार के नए प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसे आप आगे बढ़कर स्वीकार करेंगे। आपके साथ कार्य करने के लिए कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे, आप भी सोच समझ करके साथ दे सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं साल 2020 कन्या राशि के लिए कैसा होगा करियर के क्षेत्र में। साल 2020 में साल की शुरुआत करियर के लिए आपके काफी अच्छी रहने वाली है और आपको इस साल बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, जिसमें समय से कार्य करने पर आपको उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। मार्च के महीने का समय बहुत ही सावधानी से चलने वाला है। आपको इस समय कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए और मई से काम व लाभ में कमी आ सकती है। साझेदारी में काम या कोई बड़ा निवेश सितंबर के महीने के बाद ही करें। कार्य को लेकर के नई चुनौतियों का सामना भी आपको इस दौरान करना पड़ेगा, तो संघर्ष से घबराएं नहीं। ये साल कार्य को लेकर विदेश यात्राएं भी होती रहेंगी, जिससे नए कॉन्टेक्ट आपके बनेंगे। इस साल नौकरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सीनियर्स की नजरों में प्रशंसा के पात्र बन सकेंगे। नई नौकरी की तलाश रहेगी, मार्च तक मिल जाएगी, तभी बदलाव करें। आप अपनी मेहनत का फल आपको इस साल देर से मिलेगा, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि साल के मध्य में गुस्से में आकर नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि आगे आपको फिर नौकरी मिलने में समस्या आएगी। कोई आपको नई नौकरी का प्रस्ताव भी दे तो आप इनकार कर दीजिए या सितंबर के बाद तक का समय मांग लीजिए। सितंबर माह से साथ काम कर रहे कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, मैत्रिक संबंध रहेंगे, और काम को लेकर आलस बिल्कुल मत कीजिए। अपनी मेहनत के माध्यम से आप इस वर्ष अपनी एक नई पहचान बनाने में सफल होंगे। साल का अंत आपको नए अवसरों की सौगात देगा। तो नौकरी या करियर के दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। अब हम देखते हैं साल 2020 कन्या राशि के लिए आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है। दोस्तों, साल 2020 कन्या राशि को आर्थिक रूप से उत्तम रहने वाला है। आप साल की शुरुआत में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में भी फायदा होगा। जमीन में इन्वेस्टमेंट करना है तो साल की शुरुआत
या साल के अंत में ही करें तभी फायदा होगा। साल के बीच में ऐसा कोई डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। इस साल व्यापार से भी लाभ के आसार बने रहेंगे, कुछ कुछ माह भी ऐसे होंगे जो परेशानियों का कारण बनेंगे। देर से ही सही आपके सारे काम बन जाएंगे। कोई पुराना वाहन ना खरीदें और वाहन के ऊपर बेवजह खर्च ना करें। जून के महीने से लाभ और आय में कुछ कमी आ सकती है। इस समय में लोन लेने या देने की बिल्कुल ना सोचें। किसी स्त्री के ऊपर व्यर्थ का धन खर्च करने से बचें। राहु के नवम भाव में गोचर करने से पिता की संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकता है। सितंबर के महीने में आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक लाभ के पूरे योग बने हुए हैं, परंतु इस समय आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना होगा। नवंबर से पैतृक रूप से भी धन संपत्ति के योग बन रहे हैं और सोने में भी आप धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साल के अंत में वेतन में बढ़ोतरी होने से आपकी आर्थिक स्थिति और भी सुधर जाएगी। तो आर्थिक रूप से ये साल अच्छा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं साल 2020 कन्या राशि के लिए कैसा होगा शिक्षा के क्षेत्र में। मित्रों, शनि आपके शिक्षा भाव में गोचर कर रहा है जो आपको आलसी बनाता है, साथ ही हर विषय पर गहरी सोच भी देता है। वर्ष की शुरुआत में पढ़ाई के साथ कहीं कार्य करने का भी आप सोच सकते हैं, जिससे आप अपना खुद ही खर्चा निकालते रहेंगे। जो बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ काम भी कर रहे हैं, उनके लिए मार्च से नया अवसर मिलेगा। आपको उस काम की बजाय अपनी शिक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। मई माह से शिक्षा का कारक गुरु वक्री हो रहे हैं। इस समय में किसी नए विषय का चुनाव ना करें और किसी की बातों में आकर हाथ आया कोई भी विषय ना बदलें। साल के मध्य में किसी नजदीकी मित्र पर आपका धन खर्च हो सकता है, तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि आपका ये पैसा वापस नहीं आएगा। किसी प्रोफेसर से उलझने का इस दौरान बिल्कुल कोशिश ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर विदेश पढ़ने जाने की कोशिश कर रहे हैं तो सितंबर से आपकी बात बन सकती है। शिक्षा के लिए कर्ज की आवश्यकता भी आपको लेकिन पड़ सकती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कन्या राशि का पारिवारिक जीवन साल 2020 में कैसा होगा। मित्रों, साल की शुरुआत में शुक्र का अष्टम भाव में गोचर करने के कारण परिवार की महिलाओं में आपस में अनबन हो सकती है, जिसके कारण से घर में तनाव की स्थिति भी बनेगी। छोटे भाई बहनों में आपस में विवाद हो सकता है और जमीन से जुड़ा हुआ कोई पुराना मतभेद जो अभी तक गलतफहमी की वजह से बढ़ गया था, जो मई के महीने में अधिक होने से बात कोर्ट तक भी जा सकती है। माता के साथ संबंध में उतार चढ़ाव आता रहेगा और आप भी इस वजह से मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। साल के मध्य में जीवन साथी के साथ भी तनाव होगा, जिस वजह से बच्चों की शिक्षा पर भी असर दिखेगा। इस समय कुछ समय तक के लिए दूरी बना लें। परिवार में किसी को नई उपलब्धि मिलने पर घर में खुशी का माहौल भी बनेगा, जिससे आपसी मतभेदों में कमी आएगी। सितंबर के बाद रिश्तों में सुधार आएगा और पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। घर में पार्टी या किसी भी तरह का उत्सव भी हो सकता है और बच्चों के ऊपर किसी तरह के खर्चों के कारण से आपका भी कोई बड़ा काम रुक सकता है या आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। साल के अंत में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जिस कारण से परिवार से कुछ समय के लिए आपकी दूरी बन जाएगी। अब हम देखते हैं कन्या राशि का साल 2020 में वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष कैसा होगा। दोस्तों, साल 2020 की शुरुआत में जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे और परिवार में सबका ध्यान रखेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं विदेश जाने की योजना भी आपकी इस दौरान बन सकती है। मार्च के बाद से सितंबर तक वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन सी बनी रहेगी। बात बहुत बढ़ जाने से मतभेद भी बढ़ेगा और बात घर के बाहर तक भी जा सकती है। इस समय कुछ समय के लिए आप दूरी बना ले तो बेहतर होगा। परिवार में तनाव के कारण आप अपने काम में भी कम ध्यान रख सकेंगे। साल के मध्य में साथी की सेहत भी खराब रह सकती है, जिससे मानसिक तनाव होगा। आपको भी अपने साथी का साथ देना चाहिए और उसको सहानुभूति देने की कोशिश करें।
बच्चों की तरफ से भी कोई बड़ा खर्चा आपको करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है, और इस समय आपका कोई मित्र आपका साथ देगा। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और सितंबर के बाद संतान को किसी मित्र की सहायता से कुछ नया कर दिखाने का अवसर मिलेगा, जिसमें आप भी प्रशंसा का पात्र बनेंगे। तो वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कन्या राशि वालों को। अब हम देखते हैं कैसा होगा कन्या राशि का साल 2020 में लव लाइफ। दोस्तों, आप बहुत ही सीधे तरीके से खुलकर और बहुत ही जोशीले अंदाज में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और अपने मजाकिया तरीके से अपने साथ वाले को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप में ये कमी भी है कि जिससे भी आप प्रेम करते हैं उनको अपने मन की बात कहने में उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो वाकई में आपको करना चाहिए। इसलिए इस साल आपको आपके प्रेम में थोड़ी गंभीरता लानी होगी और अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से सही अंदाज में एक्सप्रेस करना चाहिए। अपने व्यवहार में आपको बदलाव लाने की जरूरत है जिससे आप दोनों का प्रेम बढ़े। इस साल आपको उनकी छोटी छोटी बातों और भावनाओं का कद्र करना चाहिए, जिसके साथ ही साथ आपको उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। साल के मध्य में कोई पुराना साथी आपसे दूर हो गया था तो वो वापस आ सकता है, जिसके कारण से आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन सितंबर के बाद सभी मतभेद दूर हो जाएंगे। साल के अंत में उसी साथी के साथ विवाह की बात आप सोचेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं। अब हम देखते हैं कैसा होगा कन्या राशि वालों का साल 2020 में स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसा रहने वाला है। दोस्तों, साल 2020 में इस राशि वालों के लिए ये साल पूरा का पूरा सेहत के हिसाब से ठीक रहेगा। आप खुद को चुस्त दुरुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे। काम को लेकर के तो वैसे पूरे साल आपकी भागदौड़ चलती रहेगी और आपको अधिक थकान भी नहीं होगी। मई के माह से कोई पुरानी बीमारी जो ठीक हो गई थी वो कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए इसे लापरवाही ना करें। अगर नसों से जुड़ी या त्वचा की कोई परेशानी आपको उस समय आती है तो समय पर उसका इलाज करवा लें, क्योंकि एक बार ये परेशानी सही होकर दोबारा भी आ सकती है। अपने खान पान का पूरा ध्यान रखिए और बाहरी यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो खाने का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ये साल यात्राओं के लिए मिला जुला रहेगा और मार्च के महीने से छोटी छोटी यात्राओं में दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं, इसलिए सावधान रखिए। यात्रा को टालने का अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है तो यात्रा को टाल भी दीजिए। काम के लिए भी देश विदेश की यात्रा होती रहेगी और साल के मध्य में अधिक लाभ नहीं मिलने के कारण आपको थोड़ा टेंशन भी हो सकता है। आपको अपने काम के साथ ही साथ अपने सेहत पर भी पूरा ध्यान रखना होगा। काम के साथ आराम को भी महत्व जरूर दीजिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।